आपने किस कदर खूबसूरत गाड़ी बनाई है कि बंदा यकीन नहीं कर सकता कि इंडिया की है। यार बस करो, 18 करोड़ में, 35-40 करोड़ की गाड़ी जो है ना वो 18 करोड़ में उन्होंने कर दिया। नहीं ये आप करवा रहे हैं, इंडिया ने की है, बिलीव हुआ है? बहुत प्यारी है, मुझे उम्मीद नहीं थी इंडिया की होगी। थार तक का तो सुना था कि वो बड़ी प्यारी गाड़ी है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इटली और मार्निलो जो है वो जैसे कर रही है वो उन्होंने फरारी। कैसी है? माशाल्लाह बहुत प्यारी है, स्पोर्ट गाड़ी फरारी के मुकाबले में है। फरारी से तो कई गुना अच्छी लग रही है, अल्लाह चीज बना दी है जिससे भी बना दी। ये अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या करते हैं आप? काम ही करते हैं। काम करते हैं, क्या काम है? काम यार जो दिल करे जो दिल। अच्छा आप कोई प्रॉपर काम नहीं कर रहे आप? नहीं प्रॉपर काम। ठीक है, अच्छा मैं ना अगर आपको, आप मुझे पता पाकिस्तान के अंदर कोई गाड़ी ड्रीम है आपकी जो लाइफ में आपने कभी सोचा होगा यार मेरे पास ये, मैं जब उस लेवल पे पहुंचूंगा मैं ये गाड़ी लाजमी लूंगा यार। हाँ है। कौन सी है? मर्सिडीज। मर्सिडीज का क्या रेट है इस टाइम यार? उसका तो जो मेरी फेवरेट है C180, वो तो आप करोड़ों मिलियन में ही आए, क्योंकि अभी तो आम गाड़ी हमारे पाकिस्तान में छोटी गाड़ी 28 की हो गई है, जो दूसरी गाड़ी है वो 40-50 लाख की हो गई है। चले मैं आप की गाड़ी दिखाऊंगा, मुझे जस्ट आपने ये बताना है कि वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है वो, मगर है अमेरिकन गाड़ी है, मैं इतना बता दूँ वो किसी कंट्री ने अमेरिकन से बनवाई है गाड़ी। माय गॉड वेरी नाइस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसने फरारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस गाड़ी ने लिखा। वेरी नाइस यार, ये कमाल है, लेकिन ये बुगाटी की शेप नहीं आ रही। हाँ नहीं, अल्लाह चीज बना दी है जिसने भी बना दी। ये चोरी पक कहाँ पे लो चाहिए? मैं बताता हूँ ये किसकी है, मैं सारी आपको डिटेल बताऊँगा। ये बैग, ये मतलब अमेरिकन जो है ना इसको जो है ना असेंबलिंग कर रहे हैं, मगर कंट्री कोई और है जिसने जो इसे बनवा रही है कंट्री से। अच्छा मुझे ये बताएं ये कौन सी कंट्री इस टाइम ये इसको कंट्री ओनर है इसकी जो ये बनवा रही है गाड़ी, पता है आपको? नहीं आई डोंट नो, कोई आइडिया नहीं आई। चले मैं आपको इतना गैस कर, एशिया के अंदर ही कंट्री है बस, एशिया में। हाँ एशिया में, ये अमेरिकन गाड़ी है, अमेरिकन गाड़ी का नाम उन्होंने दिया है, ये दुनिया की फास्ट रनिंग गाड़ी है जो जिसने यार मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, लेकिन है वो कमाल की गाड़ी है। फरारी का कार्ड तोड़ दिया उसने, फरारी का कह सकते हैं देख के, गाड़ी देख के देख के कह सकते, गाड़ी कैसी लगी है? बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उन्होंने ये लॉन्च करी है अमेरिका से, उन्होंने असेंबलिंग करवा रहे हैं। इंडिया ने की है, बिलीव हुआ है? नो, वेरी नाइस। यार मुझे बताओ पाकिस्तान आज तक अपनी गाड़ी क्यों नहीं मैन्युफैक्चर की? हमने कोई अपनी कोई सादी गाड़ी भी नहीं मैन्युफैक्चर की, मतलब बाइक्स हैं वो भी हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, बाइक से 1.5 लाख रुपया अब रेट हो गया वो बाइक का। अगर हम किसी की बात करें तो हर कंपनी जितनी भी हैं पाकिस्तान के अंदर जितनी कंपनीज है वो सब इंपोर्ट करवा रहे हैं, जैपनीज गाड़ी हो गई, करोला हो गई, टोयोटा हो गई। हमारे अगर इंडिया की बात करें वो अपनी गाड़ी वहाँ से जो स्पोर्ट गाड़ियाँ हैं वो अमेरिकन से असेंबलिंग करवा रहे हैं टोटल, और वो जितनी भी गाड़ी उनकी महिंद्रा ये उनका ब्रांड है जो बहुत टॉप का ब्रांड है दुनिया का बहुत। हमने क्यों नहीं हम क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर, इंडिया इतनी गाड़ियाँ हैं, उनका टाटा ब्रांड मैन्युफैक्चर कर रहा है, उनका महिंद्रा मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो स्पोर्ट गाड़ियों पर चले गए हैं और ये दुनिया की फास्ट रनिंग गाड़ियों बनाए, हम क्या अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर करें यार? इधर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो लोग तो बढ़ रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं अपने मुल्क सारे जो है ना, इधर तो अब देखें ये 3 लाख का तो होंडा हो गया है। हाँ। कितने साल से आप देख रहे हैं कोई चेंजिंग है इसमें? है होंडा भी है पास, इसमें चेंजिंग है कुछ भी? कोई भी नहीं। कितने साल हो गए हैं, क्या मॉडिफाई करना है इन्होंने? कोई चक्कर नहीं है इसका यार, मैं इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता। गाड़ी कैसी लगी आप? गाड़ी यार वेरी नाइस, बिल्कुल। कौन सी गाड़ी ड्रीम आपकी? फरारी। फरारी ड्रीम आपकी? जी। वाह वाह वाह, वाकई फरारी ड्रीम जी। अच्छा फरारी के अलावा कोई और नहीं? और भी वैसे पाकिस्तान के अंदर कौन सा फरारी तो पाकिस्तान में नहीं आ रही? टोयोटा। टोयोटा, टोयोटा कौन सा ब्रांड वो गाड़ी पसंद है आपको? टोयोटा करोला। टोयोटा करोला। अच्छा चले मैंने बताया, अगर एक गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा जी, आपने मुझे बताया वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया और उसकी ये लगी। ये आगे जी गाड़ी की डोर्स आ गए हैं, ऑटो डोर्स हैं, ठीक है ऑटो गाड़ी है। ये फ्रंट आ गया सही, बड़ी ज़बरदस्त है बड़ी। अच्छा हम आपको अंदर लेके जाते हैं इसकी गाड़ी के, ये ले ये अंदर आ गया जी। ये इसका फीचर्स बड़े लेवल हैं इसके, ये बैक आ गया इसके जी। ये फ्राइडे की तरह लगती है गाड़ी? हाँ बिल्कुल लगती है।
ये फ्रंट, ये अंदर है इसका स्टीयरिंग का फ्रंट, बड़ा जबरदस्त स्टीयरिंग ठीक है। मुझे बताओ ये कैसी लगी गाड़ी, ये इंटीरियर वाइज लुक वाइज कैसी, लुक वाइज और इंटीरियर वाइज और इसकी स्टीयरिंग होगी, मतलब टोटली गाड़ी कैसी लगी आपको? बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है जी बिल्कुल। क्या प्राइस होगी इसकी पहले मैं बताइए, कौन सी कंट्री में, कंट्री का बता दो। ये मेरे ख्याल से इटली और मार्निलो जो है वो जैसे कर रही है, उन्होंने लॉन्च किया। ये फरारी है जी, ये फरारी नहीं है, नहीं नहीं फरारी नहीं है ये, क्या मतलब नहीं किसी और कंट्री ने लॉन्च किया ये, इटली ने नहीं कोई और कंट्री, इसके अलावा कोई और कंट्री ने लॉन्च किया गाड़ी? नहीं मेरे ख्याल से तो इटली और मार्निलो जो है, अलावा कोई नहीं लॉन्च नहीं, नहीं। ये गाड़ी जी जी जी। अगर मैं कहूँ ये इंडिया के अंदर, इंडिया चलो मैं बताया, इंडिया ने ये लॉन्च किया है, उनके क्या? कौन इंडिया ने लॉन्च किया, कौन से ब्रांड ने किया? उन्हें दो ब्रांड का चले उनके, तो मेरे ख्याल से एक है टाटा और एक महिंद्रा। हाँ दोनों में से एक ब्रांड ने किया, चलो मैं बताऊँ दोनों में कौन से ब्रांड ने की होगी, इतना कोई खास इल्म नहीं, हो सकता टाटा ने की हो। नहीं टाटा की नहीं, महिंद्रा की है। महिंद्रा की है। अच्छा चले, महिंद्रा ने कितने की लॉन्च की होगी? कम से कम 35-40 करोड़ तो होगा, 35-40 करोड़ जी। तो फरारी का क्या रेट है? यही चल रहा है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान में कोई, पाकिस्तान में कोई ऐसी गाड़ी स्पोर्ट देखी है आपने, कोई फरारी देखी हो? नहीं पाकिस्तान में कोई ऐसे खास। चले मैं बताने जा रहा हूँ जी, इंडिया वालों ने ये अपनी आवाम के लिए 18 करोड़ की लॉन्च। क्या कितने? 18 करोड़। ना करो यार बस करो, 18 करोड़ में 35-40 करोड़ की गाड़ी जो है ना वो 18 करोड़ में उन्होंने कर दिया। नहीं ये अब महिंद्रा ने इतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग की है, इसको किस तरह देख रहे कि महिंद्रा ब्रांड ने पिछले साल टाटा जितने इंडिया की व्हीकल्स ने जो है ना बीट किया था जापान की गाड़ियों जी, तो अब भी इन्होंने फरारी को भी, अब आपको लगता है फरारी को बीट करने जा रहे जो गाड़ी इन्होंने बनाई है? वैसे बड़ी ज़बरदस्त है गाड़ी जो आपने दिखाई है, मुझे तो लगता है बीट कर रही है। बीट कर दी? नहीं ये नहीं, ये आपने कहा गाड़ी अच्छी, बहुत अच्छी है फरारी से भी अच्छी गाड़ी, ठीक है। कैसी गाड़ी लगी है आपको? नहीं मुझे तो फरारी से भी बेहतर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो इंडिया ने कैसे अचीवमेंट की है? ये उनके अपने जो होंगे टाटा और महिंद्रा, उन्हीं ने की है ये, बहुत अच्छी वो अच्छी अचीवमेंट की इंडिया। जी जी जी। अच्छा मुझे बताओ कब तक के हमारे मुल्क के अंदर कोई लोकल मैन्युफैक्चर, अब वो लोकल मैन्युफैक्चर उन्होंने बिल्कुल फरारी जैसी गाड़ी निकाल दी उन्होंने, तो हम लोकल मैन्युफैक्चर हमारे पास क्यों नहीं कोई कंपनी गाड़ी लॉन्च करती है? लोकल मैन्युफैक्चर हमारे पास तो कंपनी, हमारे पास पहली बात तो अवेलेबिलिटी नहीं है ऐसी चीज़ों की, अगर है भी सही तो बहुत महंगी है। हमारी गाड़ियाँ आपको पता है कितनी महंगी पहुँची हुई हैं, 40-50 लाख की तो आम जो गाड़ियाँ वो आ रही हैं, तो इसलिए जो है ना हमारे पास इतनी जो है ना रॉ मटेरियल भी नहीं है बनाने का। मुझे तो लगता है कि 10-15-20 साल लगेंगे हमें ऐसी गाड़ी बनाने के लिए। ऐसी गाड़ी ये तो उन्होंने अपनी आवाम के लिए निकाल दी, 18 करोड़ के इन्जॉय करो। जी जी वो तो इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह, हम कब करेंगे? हमने नहीं करनी इन्जॉय, हमारे किस्मत में ही नहीं है, हमने इन्जॉय करना है। अच्छा ठीक है, कोई मैसेज देंगे गाड़ी के वाले से इंडिया वालों को? बड़ी जबरदस्त गाड़ी है यार आप लोगों की, एंजॉय करें हम और क्या सकते हैं। ओके जनरल बहुत शुक्रिया, ठीक है मेहरबान। ओके क्या करते हैं आप, अच्छे ना होना थोड़ा सा स्टूडेंट। अच्छा सर पाकिस्तान के अंदर कोई गाड़ी ड्रीम है आपकी, जो आपने कहा जब मैं स्टडी कंप्लीट करूंगा तो मेरी ड्रीम ये है कि मैंने ये गाड़ी लाजमी परचेज करनी है। इस पे तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जिस तरह कोई 100 में से 1। हाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से बता सकता हूँ, जिस तरह के हमारे हालात जाने हैं तो सिवी की हमारी इस पे पहली गाड़ी होगी। क्या रेट है स्विक का? तो इस टाइम करोड़ से भी ऊपर चला गया है जो न्यू है। क्यों? हाँ क्योंकि ड्रीम कार है, वो बड़ी प्यारी लगती है मुझे, इस वजह से मैं सिविक ही लूँगा, क्योंकि अब तब तक तो पता नहीं क्या प्राइसेस हो चुकी होंगी उनकी, तो बस यही है कि सिविक की ख्वाहिश है, बाकी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी है उनका, तो किसका दिल नहीं करता, हर शहरी का दिल करता है कि महंगी से महंगी गाड़ी लें। सर मैं ना जस्ट आपको एक गाड़ी दिखाऊँगा, मुझे आपने बताना है वो कौन सी कंट्री जो है ना असेंबलिंग करवा रही है, मतलब अमेरिका से, वो कौन सी कौन सी एशिया के अंदर कंट्री है जो असेंबलिंग करवा रही है वो जो है अमेरिका में अपनी गाड़ियों को? ये देखो सर कैसी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, स्पोर्ट गाड़ी फरारी के मुकाबले में है, फरारी से तो कई गुना अच्छी लग रही है ये। चलिए मैं आपको आगे बहुत एग्रेसिव लुक है यार इसमें। पाकिस्तान के अंदर कोई गाड़ी है ऐसी? पाकिस्तान के अंदर तो आप नहीं उम्मीद लगा सकते कभी ऐसी गाड़ी लाने की। ये डोर्स वगैरह देख लेंगे आपने, गाड़ी इंटीरियर देख ले, टोटली गाड़ी कैसी लगी आपको? बहुत प्यारी है वो। कौन सी
कंट्री जो अपनी गाड़ी को ये स्पोर्ट गाड़ी है, मैं ये बताता हूँ कि इसने जो ना दुनिया की जो फास्ट ट्रिंग गाड़ी है ना, जो दुनिया के अंदर फास्ट, उसका इसने रिकॉर्ड तोड़ा इस गाड़ी ने। ये कौन सी कंट्री एशिया के अंदर जिसने ये असम्बलिंग की है, अमेरिका असम्बलिंग करवाई है? ये जापान की लग रही है, क्योंकि जापान बड़ी टेक्नोलॉजी में आगे है मजबूती के लिहाज से, और ज़ाहिर बात है फास्ट बता रहे हैं तो उसी ने बनाई होगी ये गाड़ी जापान ने। चलें, मैं बताने जा रहा हूँ, ये हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उन्होंने ये गाड़ी लॉन्च की है, उनका ब्रांड है महिंद्रा। महिंद्रा पता है ब्रांड का? जी महिंद्रा। कैसे लगी है इंडिया ने लॉन्च की है? बहुत प्यारी है, मुझे उम्मीद नहीं थी इंडिया की होगी। थार तक का तो सुना था कि वो बड़ी प्यारी गाड़ी है, लेकिन अभी ये ऐसी फास्ट गाड़ियाँ भी बना रहे हैं यार। ये वो इसने रिकॉर्ड तोड़ा है, दुनिया की सबसे तेज तरीन गाड़ी है उसका रिकॉर्ड तोड़ा है इसने जो है गाड़ी ने। बहुत बहुत तो पाकिस्तान के अंदर क्यों कोई ऐसी गाड़ी लॉन्च हो रही है? पाकिस्तान अपने दूसरे हालात तो बेहतर कर ले, तब जाके फिर ऐसी गाड़ियाँ बनाएगा वो इस कदर खूबसूरत है। इंडिया की तो इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़ी सी बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, तो वो बना सकती है, लेकिन पाकिस्तान में हम तवक्को नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में शायद कुछ हो जाए, लेकिन जब तक हम मेहनत हो तब तक नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा ऐसा। तो क्यों हमारे मुल्क में क्यों नहीं सोच रही ऐसी चीज़ें? क्योंकि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का महिंद्रा ब्रांड और टाटा ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका ब्रांड है। असल में महिंद्रा अपनी स्पोर्ट गाड़ी बना रही है, स्पोर्ट गाड़ी जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, असल में उन्होंने बहुत पहले से ही इसके बारे में सोचा हुआ था। ये अब की नहीं है, महिंद्रा बहुत पहले से बना रहा है वो गाड़ियाँ, तो पाकिस्तान में अभी ये स्टार्ट होना है तो स्टार्ट होगा, किस कदर टाइम लगेगा उसको बनने में, फिर जाके उसको वो अपना नाम पाएगा, फिर जाके कुछ उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इंडिया ने यार देखो आपने किस कदर खूबसूरत गाड़ी बनाई है कि बंदा यकीन नहीं कर सकता कि इंडिया की है। तो पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा टाइम है ऐसी चीज़ के लिए, अगर वो करता भी, क्योंकि पाकिस्तान पहले अपने हालात बेहतर कर ले जिस तरह वो जा रहा है, फिर जाके वो ये गाड़ियाँ वगैरह का सोचेगा कि हाँ मैं गाड़ियाँ बनाएँ, हम ये करें, एडवांस टेक्नोलॉजी लाएँ पाकिस्तान में। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।